फेजेज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट का आज का जो लेक्चर है वो उसकी थर्ड स्टेज के ऊपर मुश्तमिल है यानी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन फेज हम अपने पिछले लेक्चर्स में कुछ लेक्चर्स में स्टडी uh, फेज को डिस्कस कर चुके हैं पढ़ चुके हैं उसके बाद हमने प्लानिंग को पढ़ा है प्लानिंग में हमने प्री प्लानिंग प्लानिंग की बाकी तीन स्टेजेस को पढ़ा है जिसमें नीड असेसमेंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कॉजल एनालिसिस है उसके बाद वेल्यूएशन है इम्पैक्ट है इन तमाम चीजों को स्टडी किया था प्लानिंग फेज के अंदर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन फेज है ड्यूरिंग द थर्ड फेज द इम्प्लीमेंटेशन फेज द प्रोजेक्ट प्लान ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इज पुट इन टू मोशन एंड द वर्कर ऑफ प्रोजेक्ट वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट इज परफॉर्म इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन कंट्रोल एंड कम्युनिकेट एज नीडेड ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन इट इज द स्टेज वेयर द एक्चुअल लेबर फोर्स ऑफ द कम्युनिटी कैन बी इन्वॉल्व इन द वेलफेयर एक्टिविटी यहां पर आप आ, अपना जो प्लान है उसको मोशन में लाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं और वहां पर मौजूद लोगों को वेलफेयर के कामों में कम्युनिटी की डेवलपमेंट के कामों में कम्युनिटी के जो प्रोजेक्ट है उसमें डेवेलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वॉल्व करते हैं इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द कम्युनिटी शुड बी कंसल्टेड ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम्युनिटी के अंदर जो ऑलरेडी वेलफेयर का काम हो रहा है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे जरूर कंसल्ट किया जाए उसको एतमाद में जरूर लिया जाए बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इज कॉस्टली और बाज अकात यह होता है कि आप अग्नयाूनिट जब फार्मूलेट uh, करते हैं तो वो कॉस्टली uh, होता है और वहां के रिसोर्सेज को ज्यादा इस्तेमाल करता है तो इट्स बेटर कि जो आप पहले से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है जो एडमिनिस्ट्रेटिव uh, यूनिट है आप उसको एतमाद में लें और अपने साथ शरीक करें राधर इन दैट केस द अचीवमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट और मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विल नॉट बी पॉसिबल सेकेंडली इट मेक क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विच में सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम सो इट इज बेटर टू एडजस्ट टू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एज फार एज पॉसिबल इसका एक फायदा ये भी होता है क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग uh, यूनिट है उनको वहां के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का पता होता है की स्टाफ को कहाँ यूज करना है किस वक्त यूज करना है कैसे यूज करना है कैसे आप अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं तो इसलिए बेहतर है कि जितना मुमकिन हो सके पहले से मौजूद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को यूज किया जाए ताकि कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा ना हो और आपकी कॉस्ट की भी बचत हो सके हु कम्युनिटी वर्कर्स शुड इंक्लूड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन फेज किस किस को हमें शामिल करना चाहिए एग्जीक्यूशन की फेज के अंदर नंबर वन कम्युनिटी लीडर कम्युनिटी लीडर्स को uh, एग्जीक्यूशन uh, फेज में इस्तेमाल करना इसलिए भी बहुत जरूरी है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि उनका कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा uh, असर रसूख होता है कम्युनिटी के लोग उनके बहुत ज्यादा मानते हैं और अगर आप अपने प्रोजेक्ट को प्रोग्राम को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो कम्युनिटी लीडर्स को इस्तेमाल करना चाहिए कम्युनिटी एल्डर्स एंड यूथ कम्युनिटी के जो बुजुर्ग हैं उनको इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो कम्युनिटी की बारे में बहुत ज्यादा के बारे में जानते हैं वहां की वैल्यूज के बारे में जानते हैं और वो हमेशा अच्छा मशवरा देंगे और आपको उन जगहों पर मशवरा दे सकते हैं उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में जिनको आप नहीं जानते या जो दरम्यान में पैदा हो जाती है और यूथ को इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए कि यूथ इज एनर्जेटिक वो आ, हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं और आपको नए से नए सजेशन दे सकते हैं नए से नए तरीकों से आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद कर सकते हैं टारगेट बेनिफिशरीज वो वो तमाम लोग जिनके लिए आप काम कर रहे हैं जिनको इससे सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है उन लोगों को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए ताकि सेंस ऑफ ऑनरशिप उनमें डेवलप हो सिविक एंड सपोर्ट ग्रुप वहां पे ऑलरेडी मौजूद जो सिविक और सपोर्ट ग्रुप्स हैं उनको भी इम्प्लीमेंटेशन के एग्जीक्यूशन के इस फेज के अंदर आपको शामिल करना है प्रोजेक्ट स्टाफ प्रोजेक्ट स्टाफ जिन्होंने स्टडी की है जिन्होंने प्लान किया है आप कोशिश करें कि आप उनको भी एग्जीक्यूशन फेज में शामिल करें ताकि वो लोग भी इसका एक पार्ट बन सके स्पॉन्सर्स स्पॉन्सर sponsor वो लोग जो आपके इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं फंड प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी एग्जीक्यूशन फेज के अंदर शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उनको पता चले कि उनका पैसा जो उनका फंड है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा During project implementation, carrying out tasks, and the progress information is being reported through, through our regular team meetings. Uh, regularly, the team ko milna cha or project ki progress uh, discussion. Community workers should motivate the community people to provide maximum input in all stages of execution phase.

जो प्लान आपने किया है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उनका नॉलेज कहां तक है और उनकी स्किल्स क्या है अगर उनकी स्किल्स उससे मैच नहीं करती तो उनको वो काम दिया जाए जिनसे जिन उनकी नॉलेज एंड स्किल मैच करती है क्योंकि अगर आप उनको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम दे देते हैं जो उनकी नॉलेज एंड स्किल्स से मैच नहीं करती तो वो फायदा करने की बजाय प्रोजेक्ट का या प्रोग्राम का नुकसान कर सकते हैं इसलिए और अगर ज्यादा जरूरी है कि आपने उनको इस फेज में शामिल करना है तो पहले आप उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त करें ताकि उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दिलवाने के बाद फिर इस स्टेज के ऊपर उनको इंक्लूड करें सो बिफोर इन्वॉल्विंग दैम इन द एग्जीक्यूशन फेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी वर्कर के आप उनकी लोगों की नॉलेज और स्किल्स को चेक करें थैंक यू वेरी मच दिस वॉज द एग्जीक्यूशन फेज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट